बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैंगो की चटनी, मैंगो का सीज़न है इसलिए मैंगो की चटनी बनाने जा रहे हैं। ये कच्चे आम हैं, कच्चे आम को काट लेंगे। काटने के बाद क्या कहते हैं, इसको रख लेंगे छील के। इसमें जो चीज़ें शामिल की जाएंगी वो ये है, सिरका एक कप, चीनी, शुगर, थोड़ा सा नमक हसबे ज़ायका, साबुत लाल मिर्च, चॉप की हुई अदरक, चॉप किया हुआ लहसुन, कलौंजी, और ये ड्राई फ्रूट है। ड्राई फ्रूट में छुआरे हैं, नारियल है और बादाम है, और थोड़ा सा पानी। पानी को हम बर्तन में थोड़ा ये पानी डाल के रख देंगे, और इसमें हम ये कच्चे आम कैरी जो होती है, इसको छिली हुई, चौकी हुई, इसको हम बॉयल करने के लिए रख देंगे। इसको चूल्हे पे बॉयल करने के लिए रख दिया। अब ये पानी में डाल के ये कुछ देर के लिए बॉयल होगी। बॉयल होकर जब ये तैयार हो जाएगी कुछ देर के लिए, इसको बॉयल करने के लिए छोड़ देंगे। ये बॉयल की थी हमने, और ये इस वक्त गल चुकी है। ये कह रही है आम, कच्चा आम जो था ये गल गया है। अब हम इसमें ये थोड़ा सा हसबे ज़ायका नमक डालेंगे इसमें। अच्छा, अब ये जो ड्राई फ्रूट था ये शामिल करेंगे, ये भी इसमें डाल दिया। अब इसमें ये देखें, लहसुन, अदरक, लाल मिर्च, कलौंजी, ये चीज़ें भी इसी में शामिल कर दें। पाँच मिनट तक के इसको हम इसमें ऐसे छोड़ेंगे ताकि ये चीज़ें भी इसमें गल जाएं। फिर इसके बाद हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। अभी पाँच मिनट तक के और हम इसको अभी पकने देंगे। इसमें 1 कप शुगर ऐड करेंगे। तकरीबन 1-2 टीस्पून इसमें सिरका ऐड करेंगे। इसको मज़ीद थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। ये शीरे की शक्ल अख्तियार कर जाएगी और गाढ़ी गाढ़ी होगी, और बहुत लजीज और टेस्टी ये बन। ये चटनी तैयार है। ये देखें, गाढ़ी होना शुरू हो गई है। ये बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी होती है। इसको आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, और नाश्ते में भी ब्रेड के साथ ले सकते हैं, और ब्रेड बड़े जायकेदार चटनी होती है। ये देखें, ये तैयार हो गई है। शीरा इसमें बन गया है, और ये ऐसे गाढ़ी गाढ़ी हो जाती है। अब
हम चूल्हा बंद कर देंगे, ये तैयार है। इसको हम डिश आउट करते हैं, इसको डिश आउट कर रहे हैं और ये हमारी खट्टी मीठी चटनी तैयार है। बहुत टेस्टी है, इसको खट्टी मीठी हमारी आम की चटनी तैयार है। इसको ब्रेड के साथ खाएं और ट्राई करें, इसको अच्छी लगेगी आपको इंशाल्लाह। और इसको बहुत लाइक और सब्सक्राइब करें, बड़ी टेस्टी। इसको चाहें तो आप फ्रीज कर सकते हैं। Gracias.